हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारे आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 या किसी भी फोटोशॉप वर्जन के ऊपर आप अर्बन ब्लैक जो फोटो एडिटिंग होती है वो कैसे आप कर पाओगे और उसका प्रीसेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना और पूरा वीडियो देख लेना, तभी सारा जो एडिटिंग है आप लोगों को समझ में आएगा और आप भी स्टेप बाय स्टेप कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले मैं मेरा डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ले जाके सबसे पहले आपको फोटोशॉप 7.0 के अंदर दिखाऊंगा कैसे आप अर्बन ब्लैक टोन जो फोटो एडिटिंग होती है वो आप कैसे कर पाओगे। उसके बाद आपको सीसी वर्जन के अंदर एक प्रीसेट दे दूंगा जो कि वन क्लिक के अंदर आप लोग अगर सीसी वर्जन का यूजर हो तो आप वहां से आसानी से फोटो एडिटिंग ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसके बाद जितना सारा मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल लेके आने वाला हूँ सब मैं ट्राई करूँगा, जो जो एडिटिंग हो पाए मैं दोनों वर्सन के अंदर जो कि सीसी यूज़र है उनके लिए एंड जो कि 7.0 यूज़र है जो कि लोएस्ट वर्सन वाला है उसके ऊपर कैसे बनाया जाए उसके ट्यूटोरियल एक साथ बना सकूँ। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। चलिए मैं सबसे पहले मैं मेरा फोटोशॉप के अंदर ले जाके आपको सारे कुछ दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो मैं मेरा यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर आ चुका हूँ। अभी देखो यही वाला फोटो के ऊपर पूरा काम होने वाला है। सिंपली यही फोटो को सबसे पहले मैंने फोटोशॉप 7.0 के अंदर ओपन कर लिया। अभी इसी वर्जन के ऊपर पूरा एडिटिंग करूंगा, बाद में आपको प्रीसेट का सारा कुछ बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए यही से यहाँ पे काम कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाला लेयर है ये आप देख सकते हो लेयर पैनल के अंदर दिख रहा है। लेयर पैनल आपके पास नहीं है तो विंडोज़ पे जाके आप लेयर्स पैनल ले सकते हो, जो जो पैनल्स यहाँ पे चाहिए वो सारा कुछ विंडोज़ के अंदर यहाँ पे मिल जाती है। अभी देखो बैकग्राउंड का कंट्रोल जे दबाते हैं डुप्लीकेट लेयर बना लो, लेकिन एक एरर देख लो यहाँ पे लॉक आइकन बन जाएगा। अगर आप फोटोशॉप 7.0 के अंदर कंट्रोल जे दबाओगे तो लॉक आइकन बन जाएगा। तो मैं कंट्रोल जे दबाता हूँ तो रिटर्न आ जाएगा। मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर इस तरह से बना लेता हूँ। डुप्लीकेट लेयर मेरा बन चुकी है, अभी इसी डुप्लीकेट लेयर के ऊपर पूरा काम करूंगा। तो चलिए सबसे पहला स्टेप्स आपका क्या होगा, अगर आप लोग फोटोशॉप 7.0 यूजर हो तो आप सबसे पहले एडजस्ट आइकन पे जाके एक हुई सैचुरेशन वाला लेयर आपको लेना पड़ेगा। अभी देखो हुई सैचुरेशन वाला लेयर के ऊपर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रख के काम करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन पे मास्टर चूज किया होगा, आपको सिंपली यहाँ से कर लेना है येलो। आप येलो जब चूज कर लोगे तो येलो का सैचुरेशन पहले फुली -100 करो, लेकिन आपको यहाँ से हुई वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रख के काम कर लेना है। पहले देखो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा हुई को नियर अबाउट आप +10 के आसपास रख लो, और +10 के आसपास रख लेने के बाद कुछ इस तरह से रिजल्ट मिल रही है। और यहाँ पे जो लुमिनेंस इसका होगा लुमिनेंस को -5-10 के आसपास आप रख दो। अभी यहाँ से येलो से चले जाओ आपको ग्रीन के ऊपर, चलिए मैं ग्रीन के ऊपर चला गया। इसका सैचुरेशन फुली -100 कर लो, लेकिन यहाँ से जो इसका हुई वगैरह आप पहले एक बार ध्यान रख लो कि किस तरह का रिजल्ट यहाँ पे मिल रही है वो सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नियर अबाउट मैं ग्रीन को पूरा 100 हुई कर दिया। अभी लाइटनेस इसका लिटिल बिट इंक्रीज करना पड़ेगा मेरे इस फोटो के मुताबिक, 50 के आसपास इंक्रीज कर दिया। अभी ग्रीन से जाऊँगा क्यान कलर के ऊपर। अभी देखो क्यान जो कलर है ये वाला कलर देख सकते हो, थोड़ा सा हुई को 20 के आसपास इंक्रीज करना है, सैचुरेशन को भी 20 के आसपास इंक्रीज करना है, साथ में यहाँ पे आपका जो लाइटनेस होगा ये भी 20 के आसपास इंक्रीज कर लो। तो तीनों कर लेने के बाद आपको अट्रैक्टिव कलर नीचे पे देख सकते हो मिल गया है। अभी जाऊँगा क्यान से मैं मैजेंटा के ऊपर। देखो ब्लू मैं यूज़ करने नहीं वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी कलर मेरा परफेक्टली ब्लू आ चुका है। अभी मैं इसका जो मैजेंटा है मैजेंटा का सैचुरेशन लिटिल बिट इंक्रीज करूंगा, एक्स्ट्रा कुछ करूंगा नहीं, 50 के आसपास मैजेंटा का सैचुरेशन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज कर लिया। अभी इतना सारा चीज़ें हो जाने के बाद मैं सिंपली यहाँ से कर दूंगा ओके। अभी फोटो देखो ये वाला लेयर की मदद से कुछ इस तरह का हुआ है, लेकिन यहाँ पे और एक काम मेरा थोड़ा सा बाकी रह गया जो कि येलो कलर के अंदर मिल जाती है। यहाँ पे देखो आप एक बार एक काम कर लो, ये जो हुईज वगैरह है ना हुई को नियर अबाउट -20 कर लो, और देखो यहाँ पे थोड़ी सी जो एक कलर अलग टाइप का जो ऑरेंज टाइप का कलर है ये इसके ऊपर आ गया है। तो आप इसका लाइटनेस वगैरह मैनेज कर सकते हो अपने मुताबिक। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूँ फोटो के मुताबिक। अभी मैंने करने के बाद मैं सिंपली जाऊँगा रेड वाला कलर के ऊपर। रेड का जो हुई होगा वो सिंपली नॉर्मली 0 ही रहेगा, मैं चले 0 रखा। सैचुरेशन को लिटिल बिट इंक्रीज करना पड़ेगा थोड़ा सा, या चाहो तो आप एक काम कर सकते हो सैचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद लाइटनेस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लो ताकि बेटर रिजल्ट आपको मिलने लगे। कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल रही है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा और क्या करने वाला हूँ, मैं एडजस्टमेंट आइकन पे अगेन जाऊंगा। यहाँ से जो लेने वाला हूँ लेवल्स वाला लेयर, देखो इस फोटो के ऊपर लाइटनेस की कमी है तो लेवल्स वाला लेयर क्या करेगा पूरा लाइटनेस को फिक्स करेगा। अभी देखो इस जो लेवल्स वाला जो कर्व है यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके राइट साइड वाला पोर्शन पे कोई भी इस तरह से ब्लैक पोर्शन नहीं है, तो
आपको यहां से देखो कुछ इस प्रकार से जगह से मेरा ब्लैक पोर्शन स्टार्ट हो रही है, तो मैं उतना तक राइट साइड वाला कर्सर को ड्रैग करके ओके कर दिया। अभी देखो अगर ज्यादा हो गया है तो आप यहां से थोड़ा सा कम कर सकते हो। मैं इस वाला फोटो के ऊपर देखो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट लेके आ चुका हूं। अभी जो कलर है मॉडी वाला टोन देने के, जो अर्बन टोन होती है, पहले तो ब्लैक ही टाइप का फोटो मैंने बना चुका हूं। अभी यहां से अर्बन टोन देने के लिए क्या करना होगा, आपको एडजस्टमेंट एंगल पे जाके आपको कलर बैलेंस लेना पड़ेगा। देखो फोटोशॉप का जो हायर वर्सन है वहां पे बहुत अच्छे से कलर ग्रेडिंग वगैरह हो जाती है। अभी कलर बैलेंस लेयर वाला जो लेयर है इसके ऊपर आपको हाइलाइट्स पे जाना पड़ेगा। हाइलाइट्स का जो ब्लू होगा, ये वाला ब्लू को आप तब तक इंक्रीज कीजिएगा जब तक ना थोड़ा सा ब्लू टोन फोटो के ऊपर आ जाए। मैं नियर अबाउट 30 के आसपास मेरे को बेटर लग रही है, थोड़ा सा ब्लू टोन आ चुका है। अभी यहाँ से मैं जाऊँगा मैजेंटा के ऊपर, मैजेंटा को -10 यहाँ पे सिंपली चलिए दे देता हूँ -10, और कैन को भी -10 सबसे पहले डाल दिया। देखो थोड़ा सा ब्लू टोन जो है वो फोटो के ऊपर आ चुका है। मैं यहाँ से जाऊँगा शैडोज के ऊपर, शैडोज का जो ब्लू होगा यहाँ पे शैडोज का ब्लू नियर अबाउट यहाँ पे भी 20 के आसपास मैंने सबसे पहले इंक्रीज कर लिया। इसका जो मैजेंटा होगा ये आपको -10 एंड क्यान को पहले -10 के आसपास कर लो। अभी उसके बाद जितना अमाउंट होगा वो मॉडिफाई करना यही शैडोज के ऊपर। शैडोज का ये जो ब्लू है ये भी 10 करता हूँ, मैजेंटा को यहाँ पे नियर अबाउट -5 एंड क्यान को भी -5। इतना चीज़ें होने के बाद मैं करता हूँ ओके, और अभी ये वाला फोटो का देखो लुक देखो किस तरह का मिल रही है। अभी एक जो टोन है वो परफेक्टली आ चुका है। अभी इतना सारा चीज़ें हो जाने के बाद आपको यहाँ से फोटो के ऊपर अगर कोई भी डस्टी टाइप का कलर्स है वो आपको फिक्स करना पड़ेगा, तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंगल पे जाके आपको लेना पड़ेगा सिलेक्टिव कलर वाला लेयर, जिसका आपको सबसे पहले ब्लैक को चूज करना होगा। ब्लैक का ब्लैक को +10 के आसपास इंक्रीज कर लो जिस तरह से मैंने किया। अभी यहाँ से नेचुरल के ऊपर जाओ, नेचुरल का ब्लैक को नियर अबाउट +5 के आसपास या +3 के आसपास आप इंक्रीज कर लो और अभी ओके कर दो। अभी देखो पहले फोटो से देखो एक डस्टी टाइप का कलर्स रिमूव हो गया है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर विग्नेट मोड अप्लाई करना, तो एडजस्टमेंट एंगल पे जाके सॉलिड कलर लेके कर सकते हो, या चाहो तो एक काम कर सकते हो ब्लैंक सा एक लेयर ले लो, फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखो, ब्रश टूल की मदद से ब्रश का साइज कुछ इस तरह से 1600 पिक्सल के आसपास मेरे इस फोटो के मुताबिक परफेक्ट लग रही है। साथ में ओपेसिटी जो है ये 15 के आसपास रख दिया मैं ब्रश का, और उसके बाद चारों कोने पे इस तरह से अगर ब्रश करोगे तो देख पाओगे रिजल्ट जो है वो विग्नेट मोड की तरह ही आ गया है। देखो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे ब्रश करके दे रहा हूँ, आप एक बार सबसे पहले देख लो, देखो विग्नेट मोड के जैसा मेरा यहाँ पे आ चुका है। अभी पूरा फोटो को अगर ग्रुप बना लेता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन सा किस तरह का एडिटिंग यहाँ पे हो पाया है, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले सारे को मैं ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ इस तरह से। अभी देखो पहली वाली फोटो कुछ इस प्रकार से था और एडिटिंग करने के बाद मेरे को कुछ इस प्रकार से आउटपुट मिल चुका है। अभी चलिए इसको मैं क्रॉस करता हूँ और मैं ओपन कर लेता हूँ मेरा फोटोशॉप का सीसी वर्सन CC 2020, उसके अंदर आपको प्रीसेट डाल के दिखा देता हूँ। तो अभी देख सकते हो मैं मेरा फोटोशॉप का जो सीसी वर्सन है वो ओपन कर लिया, उसके अंदर फोटो भी ओपन कर लिया। अभी अगेन सेम प्रोसीड्यूर अप्लाई करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड का राइट क्लिक करके या कंट्रोल जे दबाते हुए डुप्लीकेट लेयर बना लो। अभी डुप्लीकेट लेयर जब बन जाएगा आप जाना फिल्टर के ऊपर, कैमरा और फिल्टर यहाँ पे ओपन कर लेना है। मैं जो प्रीसेट दे रहा हूँ उसका प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वाला प्रीसेट पहले डाउनलोड कर लो। अभी आपको डाउनलोड कर लेने के बाद जहाँ पे रखा है यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके लोड सेटिंग कर लो। अभी इस लोड सेटिंग पे देख सकते हो ये अर्बन जो ब्लैक टोन प्रीसेट है इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो क्लिक कर देने के बाद थोड़ा सा टाइम प्रोसेसिंग होने के बाद ये देखो मेरा जो फोटो है वो बनके तैयार हो चुकी है सिंगल क्लिक्स के अंदर। आपको सिंपली यहाँ से कर देना है ओके, तो ये प्रोसेसिंग होके आपका काम कर देगा। अब जब इस तरह से काम कंप्लीट हो जाएगा, देखिए कैमरा रॉ फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो अप्लाई हो जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह मॉडिफाई करने के लिए बोलूँगा जो कि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिखने लगेगा। चलिए एडजस्टमेंट आइकन पे जाके अगेन लेबल्स लेता हूँ, यहाँ पे कुछ लाइटनेस की कमी लग रही है देख सकते हो, तो थोड़ा सा जितना तक आपको लाइटनेस चाहिए होगा वो यहाँ से डाल सकते हो। अभी देखो फोटो बहुत ही अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल लग रही है। आप एक काम कर सकते हो, स्किन के ऊपर आप अगर कलर टोन फिक्स करना हो तो आप एक काम कर लो, सबसे पहले सिलेक्टिव कलर ले लो, यहाँ से सबसे पहले येलो कलर का जो ब्लैक होगा वो फुली -100 डाल दो और सिंपली क्रॉस कर दो। अभी ये वाला कलर की मदद से देखो एक थोड़ा सा जो स्किन का कलर है वो परफेक्ट हो चुकी है। और भी अगर लाइटनेस चाहिए तो सॉलिड कलर लेके जो लेयर ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा जो फॉलो करके आप स्किन का ग्लोइंग टोन जो है वो ला सकते हो। अभी देखो फोटो कितना बढ़िया लग रहा होगा। तो आप लोगों को सिंगल क्लिक्स के अंदर प्रीसेट के अंदर जो फोटोशॉप सीसी वर्सन के अंदर कर सकते हो, या चाहो तो फोटोशॉप का 7.0 जो है उसके ऊपर भी मैन्युअली एडिट कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो एडिटिंग है आप लोगों को पसंद आया होगा, आज का ट्यूटोरियल भी आप लोगों को हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल होती है तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नए को एडिटिंग के साथ, नए को ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।